Hello, hi, assalamu alaikum, namaste, kim cho, kasaka, I'm a YouTube family. I hope everything going good. बहुत दिनों से मेरे को लोग DM कर रहे थे Instagram पे कि भाई ट्रैवलिंग व्लॉग बनाओ. तो मैं स्टार्ट कर दिया. आज ये पहला वीडियो मेरा आज ट्रैवलिंग के लिए. खैर, आज मैं शुरू कर दिया. इंस्टा फैमिली मेरी, यूट्यूब की फैमिली, और जो भी मेरे को लोग पर्सनली भी बोले कि भाई ट्रैवलिंग व्लॉग बनाओ आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, या फिर आप जो भी करते कुछ कंटेंट क्रिएट करेंगे, ऐसी कोशिश है मेरी. लेट्स सी अ लाइफ बेबी. कुछ अच्छे काम के लिए अच्छी खुशबू जरूरत है. डिवाइन परफ्यूम है ये. आप इसके बारे में जाके गूगल करिए, आप लोगों को मालूम होगा, और मैं ओपन करके भी बताऊंगा. और यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है मेरे बड़े भाई फहद और राहिल, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ माय ईच एंड एवरी सॉन्ग. फिलहाल हम लोग ये गड्डी पे जाने वाले हैं. देख सकते हैं आप लोग, इतनी सुबह शायद ही मैं बस मेरी जॉब छोड़ के कभी नहीं उठाऊंगा. एंजॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी का ख्याल दीन भी जरूरी है. अलग है आने वाले सुनामी की झलक है. अलग है आने वाले सुनामी की झलक है. अच्छे दिन के शुरुआत के लिए अच्छा परफ्यूम जरूरी है. दूसरों को जलाने के लिए खुद जलना जरूरी है. मेहनत करो क्योंकि गुरूर से कुछ नहीं होगा. फख्र कर अपनी जिंदगी पे शान से. ध्यान दे अपने काम पे तभी आएगा फख्र नाम पे. ध्यान दे अपने काम पे तभी आएगा फख्र नाम पे. काम करो नाम करो, काम करो नाम करो, काम करो नाम करो. जस्ट सिटी क्रॉस करें और सुबह सुबह ट्रैवल करने में जो मज़ा है, जो सनसेट है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, इतनी ज़बरदस्त आती. क्या बोलते हैं? तो देखिए पीछे कोने मेरे साथ मालिक. इनको मालिक मैं इसलिए बुलाता हूँ कि इनो मेरे मालिक है. एक चीज़ से देखा गया तो, एक वे से देखा गया तो इन्होंने मेरे मालिक है. बिकॉज ब्लैकबेरी की शुरुआत यहीं से हुई थी. क्या बोलते मालिक? अरे स्मार्ट दिख रहे हैं आप कई को. बचपन से बोलना कलर करा आप तो बोला मत. सोने का पानी चढ़ा है. सोने का पानी है वो. खैर इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे बहुत जल्द. तो ऐसा सीन है. राहिल बाबा सो रहे पीछे गाड़ी में. हाँ, यहाँ से सिद्धिपीठ जाने का है, दो तीन काम है. उसके बाद रंगनायक सागर जाने का है. वहाँ का व्यू, वहाँ के जो लोकेशन है, बहुत लोग मेरे को पूछे उसके बारे में भाई. जो फोटोज़ आप लिए तो कहाँ पे लिए बोल के, तो रंगनायक सागर है, सिद्धिपीठ का है. बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि मैं भी सिद्धिपीठ से ही हूँ. लास्ट 3 साल से हैदराबाद में हूँ, जॉब कर रहा हूँ. तो जैसा मैं ऑलरेडी बोला आप लोगों को कि मेरे को तो पहले व्लॉग्स बनाने का उतना टाइम नहीं है मेरे पास, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ. फिर जॉब से अगर छुट्टी है तो मेरी मैं गानों पे कंसंट्रेट करता हूँ, मेरे लिरिक्स बनाता हूँ, फिर मैं बीट ढूंढता हूँ. और कर्नल है नोमान, उसके साथ मिलके काम करता हूँ. स्टूडियो पे रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम स्टूडियो पे बिताने की कोशिश करता हूँ मैं. तो बहुत सारे लोग बोले मेरे को
पर्सनली भी बोले, जिन लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन लोगों भी बोले कि भाई व्लॉग बनाओ, आपकी आवाज़ अच्छी है, दिवे यू टॉक। और बहुत सारे लोग मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखने के लिए मुझे मैसेज टेक्स्ट भी करते हैं कि भाई आज लाइव आओ, बात करो कुछ किसी टॉपिक के बारे में। तो ऐसा ही स्टार्ट हुआ। लेट्स सी, अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट करो, कमेंट में लिखो कि और व्लॉग बनाने में मज़ा आता अगर कमेंट वमेंट्स करें आप लोग, लाइक करें वीडियो को। कुछ भी अच्छे पल अगर कुछ मिले तो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, एंड हम लोग भी अगर कुछ फन कंटेंट मिला तो ज़रूर डालता हूँ। फिलहाल नाश्ता करना है ना अपने, नाश्ता करके फिर आ। हम लोग आ गए यहाँ पे, अब टिफिन कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, क्या खाना चाहेंगे मालिक आप? दोसा। हाँ अच्छा, डोसा लो, कुछ अंडा वंडे का लो, कुछ प्रोटीन। पहले बॉडी बहुत वो चल रही है आपकी, डाउन चल रही बॉडी। शंकर खुद को कितना रुलाएगा, बाप के पैसों पे कितना खाएगा। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ही फंसा हूँ, दुर्बल सी रातों में पैसे कमा लूं। खुद को जो मिलता ना खुद को वो मिलता है, ये चलने वालों को नहीं अब दिखाता हूँ। टेढ़े से लक्ष्यों से रास्ते बनाता हूँ। क्या जिंदगी छोटी है, फराज बना तो कुछ चेंज करते हैं क्या? भाई सुन, आवाज बढ़ा, हरकत की बातों को, कल के इरादों को, जिंदगी जारी में हम अपने मालिक के मुश्किल जी रहे हैं। दिन में नाकामी है, नसों से मार देते क्या? जब हनी सिंह का ये गाना निकला था, ये मिका सिंह के साथ उन्हें कोलैब कर रहा था, आज से करीबन लाइक 4 या 5 साल पहले। बहुत बेहतरीन गाना था ये, 3.5-4 साल। कौन सा गाना लगा रहे मालिक?
जब मैं कुछ खाता हूँ या फिर मैं कुछ स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया या कुछ बुरा हो गया, अगर बुरा भी हो गया चिल, वन लाइफ, लाइफ है, लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आते रहते, तो मैं चिल करने के लिए अपने आप को दूसरे मूड में स्विंग करने के लिए वन लाइफ बोल देता हूँ। एंड जैसा बहुत सारे लोग हैं अब की ये डेट में तो वन लाइफ को फॉलो करने वाले इतने लोग हैं जो वो कंटेंट है वन लाइफ का, उन लोग तो इतना वो करते हर चीज़ पे वन लाइफ लिखते, बट मैं वन लाइफ को एज माई ब्रांड, एज माई लोगो, मेरा अगर कुछ मेरे को कुछ रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई वॉन्ट दैट कि माई ब्रांड शुड रिप्रेजेंट मी, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट कि खुद का एक ब्रांड हो, खुद की एक एम्पायर खड़ा हो लाइफ में, अच्छा कमाओ, अच्छा रहना, हर किसी की सोच रही थी पर कोई एफर्ट नहीं लगाता वो चीज़ में। तो बेसिकली हम लोग, मेरे जितने भी कजिन्स हैं माशाल्लाह से सब एफर्ट्स लगाते वो चीज़ में, और हम लोग हमारे काम में 100% 200% देने की कोशिश करते कि काश हम लोग 80-70% तक पहुंच जाए। और जहां तक मेरी जर्नी स्टार्ट है, मेरा स्ट्रगल करियर में स्ट्रगल, अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूं, पैसे के पीछे हूं और पैशन के पीछे हूं, मेरे ख्वाहिशों के पीछे हूं, मेरे ड्रीम्स के पीछे हूं, मेरे गोल्स के पीछे हूं, अचीवमेंट्स में है अच्छी खासी, बहुत सही अचीवमेंट्स है लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं सिटी बैट के लोग कि मेरा गाना जो था 3 साल के बाद एक्चुअली मैं यूट्यूब में कमबैक आया हूँ, और पहले मैं वॉइस बनाता था, व्लॉगिंग मैंने 4 साल पहले छोड़ी थी, 2 या 4 साल पहले, और जैसा जैसा समय बढ़ा आगे मैं, मेरा स्ट्रगल लाइफ में थोड़ा नॉर्मल आई की मूवमेंट, तो मैं सोचा कि लेट्स बैक टू पैशन, ऐसी टाइम पास। और व्लॉगिंग के लिए तो जैसा मैंने पहले भी बताया ये वीडियो के आप देख सकते हैं कि व्लॉगिंग करना मेरा कुछ आइडिया नहीं था, बट पीपल इट्स, आप इसको एज ए पब्लिक डिमांड भी ले सकते हो, पब्लिक का डिमांड था कि भाई आप व्लॉग करो, आपकी आवाज़ अच्छी है, यू से गुड वर्ड्स, इंस्पायर करते आप हम आपको ये वो, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, जैसा एक बंदा है अभी एक बंदा है जिसका नाम इस्माइल करके, ऐसा है बहुत सारे बंदे जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो ये पॉजिटिविटी है लोगों के पास लाइफ में, वो लोग किसी को कमेंट नहीं करते देख के कि भाई साहिल खान कर रहा, भाई ये कर रहा, भाई वो कर रहा, तो इट्स ओके, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कभी कभार, जॉबलेस काबलेस पीपल, दे रियली डोंट नो कि लोगों की लाइफ किस मोड पे जा रही है, क्या बोलते मालिक आप, सही बात है। वैसे तो मैं इंजीनियरिंग मेरी पूरी कंप्लीट नहीं करा, बस एक साल करके छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ जैसा सबको पता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर अभी MBA पर्सुइंग कर रहा हूँ, और सुनेगा ऑलराइट सो। और अब हम आ चुके हैं सोनी ढाबे को, वन ऑफ माय फेवरेट एवर ढाबा सोनी, ये है हमारे ढाबे के ओनर, यहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छे भाई दोस्त, हमारे भाई, आप बना रहा नहीं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आप मेरे व्लॉग में, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, खैरियत से, सोनी ढाबे के ओनर, खैर क्या और अनु भाई, खैरियत से, पब्लिक बहुत दिख रही है अनु भाई, चलो खैर अब दबा के भूख लग रही, खाना वाना खा के आल वे बैग, और बताऊंगा मैं क्या खा रहा हूँ। सूरज बताओ जरा, ये आने वाला है क्लिक, लाइफ बेबी सुपरस्टार, यस शो, अरे हमारे भाई, हमारे बहुत अच्छे भाई, और ये मेरे साथ मेरे हमदम, मेरे जाने जिगर, मेरे लखते जिगर, मेरे चाचू कॉफी चाचा,
तरह यू नो बहुत दुआएं बहुत करते हैं इसलिए खैर इट्स ओके। अरे ये दावत करने वाले इंसान दावत दावत कहाँ हुई दावत तो अभी स्टार्ट ही नहीं है बहुत ये देखिए हमारे मालिक को इतने परेशान किक मारते हुए ओ वाओ गुड कहाँ गए थे मालिक आप राउंड पे गए थे कैसी दिखी आपको गाड़ी गाड़ी कैसी दिखी माशाल्लाह अच्छी है गाड़ी अच्छी है ले लेते क्या ले लेंगे कब लेंगे अमित गाड़ी है लेने का ये गाड़ी इनकी है और यू नो मेरे फुफेरे भाई है फॉलो हिम अदनान बॉब ऑन इंस्टाग्राम This is how we take photos and behind the scenes are here. One life, baby. So good. इधर बताओ जी आप इधर बताओ चारों तरफ पानी और पानी नेचर कंप्लीट नेचर एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है ऐसे चीजों में एंड यू कैन जस्ट थिंक समथिंग मैं चाहता हूँ कि जब मैं मेरे सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखूँ तो मैं यहाँ पे आके अपने लिरिक्स को और एक्सप्लोर कर सकूँ और अच्छे से लिख सकूँ शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या नहीं रही बट मुझे नहीं मालूम है बट दिस इज़ जस्ट अमेजिंग मालूम इतना अच्छी चीज़ और वो देखिए आप इतनी अच्छी चीज़ एक आइलैंड की जैसा यहाँ पे बनाया गया है एंड गोल्डन आवर जिसे कहते हैं गोल्डन आवर शायद कैमरे में दिखेगा या ना दिखेगा मुझे नहीं मालूम है बट शो दे मैं गोल्डन आवर गोल्डन आवर बताओ गोल्डन आवर वन लाइफ बेबी बिकॉज तीन चार साल के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ लेट्स सी अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो एंड मेरे को देख के वन लाइफ बोलो चलो लाइफ जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है मैं स्टार्टिंग ऑफ माय व्लॉग में व्लॉग से बोल रहा हूँ कि रंगनायक सागर जो है मेरे बहुत 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 सारे लोगों से भी मैं डिस्कस करा कि ये बहुत अच्छी प्लेस है और अपने को विज़िट करना है यहाँ पे करके बट बाय डिफ़ॉल्ट या फिर कभी कामों के उससे नहीं हो पाया पर इट्स ओके लाइफ है काम है हम सबको काम करते हैं हम सब तो बेसिकली ये चीज़ दिखाने का इसलिए मैं ट्राई कर रहा आप लोगों को बिकॉज ये जो जगह है यहाँ पे जो सनसेट है यहाँ का जो एटमॉस्फियर है यहाँ का जो एक नेचर की जो पॉजिटिव वाइब है बहुत अच्छी आती है यहाँ पे और मैं क्योंकि बहुत सारा ट्रैवल करके आया हूँ और देखिए मेहनत आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं देखिए एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू मीट माई फ्रेंड जो भाग रहे हैं डर के यहाँ पर आइए ये मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त है जो तकरीबन मेरे से कितने साल की दोस्ती है भाई आपकी बोलो भाई कितने साल की दोस्ती है बोलो जल्दी बोलो
टेंथ क्लास हाँ टेंथ क्लास 8-9 साल करीब करीब अदनान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त सीरियसली पूछ रहे किस पे डाल रहे वीडियो ये वीडियो यूट्यूब पे आ रहा और आप मेरे ब्लॉग का हिस्सा है फॉर द फर्स्ट टाइम 10 साल की दोस्ती बहुत सारे वाइंस बनाया बहुत सारे वीडियोज बनाया मगर कभी इनके साथ वीडियो नहीं हुआ तो फाइनली आज वो चीज़ भी हो गई माय लाइफ बेबी अदू भाई क्या है यार सीन सो दैट्स इट फॉर द डे होप यू गाइज लाइक माई वीडियो अगर आपको अच्छा दिखा तो लाइक करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरा चैनल चमो इज़ गोइंग टू कम वेरी सून चमो इज़ गोइंग टू रिलीज वेरी सून सो प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीबडी थैंक यू एवरी वन थैंक यू फॉर दिस आइडिया कि ट्रैवलिंग व्लॉग बनाओ वन लाइफ